गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम शुरू कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मॉक टेस्ट। चलिए देखते हैं, आप सभी ट्रायल कीजिए और यह रिकॉर्डेड लेक्चर है। जब भी आप देखिए प्रमायर्स में तो फिर ये इसमें टाइमिंग दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपका यह प्रश्न बनता है या नहीं जरूर चेक कीजिए और अपने जानकारी को और ज्यादा मजबूत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे जो वर्ड दिया हुआ है फर्टीव, इस फर्टीव का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम है उसे आपको बताना है। चलिए आप ट्रायल कीजिए। फर्स्ट में है अबोर्टिव, दूसरा है सेक्रेटिव, तीसरा है पॉजिटिव और चार नंबर में है एडहेसिव। तो ये फोर ऑप्शंस यहां दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा। पहला दो क्वेश्चन में हम टाइमिंग प्ले नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन से हम जरूर 15 सेकेंड का समय आपको देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, फर्टिव का सिनोनिम्स क्या होगा। चलिए देख लीजिए, फर्टिव का जो सिनोनिम्स है इसमें करेक्ट आंसर है सेक्रेटिव, सेक्रेटिव। लेकिन सबसे पहले सेक्रेटिव का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। फर्टिव भी सेम मीनिंग है, तो इस प्रकार फर्टिव सिनोनिम्स है सेक्रेटिव का। लेकिन अबोर्टिव का मतलब क्या है, निष्फल है। फिर पॉजिटिव, ये तो आप जानते ही हैं, जो सकारात्मक बातें करता है, बी पॉजिटिव ऑलवेज जो बोलते हैं तो वो पॉजिटिव। फिर एडहेसिव क्या है, चिपकने वाला, जैसे फेविकोल वगैरह से जो चिपकता है उन सभी चीजों को हम एडहेसिव कहेंगे। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन, सही आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न, सेकेंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड गलत यहां पर स्पेलिंग है जिस वर्ड का, उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्या है, जुडिशियरी, सेकेंड क्या है, वर्चुअल, थर्ड क्या है, एम्बेसडर और फोर्थ नंबर क्या है, एप्रिशिएट। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से किसका स्पेलिंग गलत है। तो देख लीजिए, यहां पर अगर जुडिशियरी का बात करूं तो जुडिशियरी का स्पेलिंग सही है, ये बिल्कुल सही है। वर्चुअल VIRTUA ये भी सही है। यहाँ अम्बेसडर को अगर आप देखेंगे तो अम्बेसडर का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, इसलिए इसमें से सही आंसर जो है वो सी है, मिस स्पेल्ट है। तो इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा अम्बेसडर का, यहाँ अम्बेसडर का सही स्पेलिंग होगा AMBA SSADOR। तो यहां पर डबल एस यहां पर आएगा अम्बेसडर में, तो जाकर के ये सही होगा। और एप्रिसिएटिव यह भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप बनाइए, 15 सेकेंड का टाइमिंग है। प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom। जो idiom दिया हुआ है actions speak louder than words, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो क्या मीनिंग हो जाएगा यहां, जो फ्रेंड्स idiom जो दिया हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, actions speak louder than words। अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो हमारी करनी है वह कथनी से ज्यादा श्रेष्ठ होती है। हम जो कहते हैं और जो कहते हैं उसी को, अगर सही बात हम कह रहे हैं उसी चीज को हम आचरण में लेकर के आए तो वो हमारे कथनी से ज्यादा प्रभावशाली होता है, अर्थात हमारे कहने से ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ता है जो उसी चीज को करता है। तो यहां पर इसका मीनिंग, यहां पर फोर ऑप्शंस में से कौन सा सही मीनिंग हो जाएगा, एक है व्हाट यू डू इज योर ऑन बिजनेस, दूसरा है व्हाट यू कैन सी मेनी नॉट मे नॉट बी ट्रू, थर्ड है व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू, और फोर्थ नंबर में है व्हाट यू डोंट से इज व्हाट यू आर। तो यहां पर सही मीनिंग है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यहां पर सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू, जो आप करते हैं वो आपकी सच्ची प्रतिबिंब, माना जो आपकी सच्चाई है आप कैसे हैं उसी चीज को बाहर प्रकट करता है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ये राइट आंसर है इस idioms का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए, 15 सेकेंड का टाइमर।
क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया हुआ है उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है आपको। तो यहाँ पर वर्ड है फ्रेंड्स गाइल। अगाइल जो है वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है तो आप देख लीजिए। यहाँ पर फोर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, एक निबल है, दूसरा है डोसाइल है, तीसरा गाइल है, चौथा जो है विजबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो है निबल इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका भी मतलब होता है फ्लेक्सिबल, जो स्विफ्ट हो, जो लचीला हो, और अगाइल का भी मतलब होता है फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा था तो अगाइल का सिनोनिम्स निबल हो जाएगा, ये जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और डोसाइल का मीनिंग क्या है, ओबीडियंट मीन्स। और सी नंबर जो है गाइल इसका मतलब है चीट करना, और डी नंबर जो विजिबल जो दिखता है। तो इस प्रकार फोर नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है निबल। लेट्स सी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंशन के रूप में दिया हुआ है और आपको फिलर्स भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको चेक करना है और भरना है। तो यहाँ पर एक बार आप इसे रीड कर लीजिए और फिर आप इसका आंसर बताइए। चलिए 15 सेकेंड इसमें तो ज्यादा सेकेंड मिलने चाहिए, लेकिन ट्रायल कीजिए। चलिए द चॉइस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर। हम जो चॉइस चुनते हैं ठीक है अपने जीवन में, वही बताता है कि वास्तव में हम कौन है। मीन्स हम जिस रास्ते को चुनेंगे ये हमारी पहचान बताता है। जैसे जो जिस चीज अंदर से जिसका चुनाव करे, कहते हैं ना अगर हम सही रास्ता नहीं चुनेंगे तो गलत रास्ता हमें चुन लेगा। इसलिए सबसे पहले निर्णय खुद करना चाहिए, अच्छा बुरे दोनों को पहचान करके। तो फिर मतलब जो भी बनना है, जो भी हम जीवन में चूज करते हैं, उस वही हमारा आइडेंटिटी क्या करता है, व्यक्त करता है। द चॉइस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर वंस लाइफ इज डैश मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड। तो यहां पर क्या आंसर भरा जाना चाहिए फाइव नंबर में, ऑफन भरा जाना चाहिए या फिर नेवर भरा जाना चाहिए, रेयरली है, सेल्डम है, ये फोर ऑप्शन में से फिफ्थ नंबर में क्या भरा जाना चाहिए। वंस लाइफ इज डैश मार्क्ड बाय एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड। यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है ऑफन है। ऑफन प्रायः देखा जाता है हमारी उदाहरणों से ठीक है, तो यहां पर ऑफन आ जाएगा ये फाइव नंबर में, तो राइट आंसर यहां पर ऑफन हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें भी आप ट्रायल कीजिए, 15 सेकेंड टाइमर है। यहां भी देख लीजिए प्रश्न है, यहां पर क्या दिया हुआ था, चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर वंस लाइफ इज ऑफन मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी Choices one has made dash from one's journey। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, अपॉन होना चाहिए, टुवार्ड होना चाहिए, अलोंग होना चाहिए या इनटू होना चाहिए। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन जो है अलोंग होना चाहिए ठीक है। तो यहां पर अलोंग सही हो जाएगा सिक्स नंबर में, तो ये अलोंग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप बनाइए, टाइमर रेडी है आपका 15 सेकेंड का। यहां पर प्रश्न है द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर वंस लाइफ इज ऑफन मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड अलोंग वंस जर्नी। यहां तक तो हम लोगों ने समझ चुका है। फिर नेक्स्ट है द मेगा आइकन रतन टाटा हैज डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी। जो इतने बड़े मर्चेंट है, हमारे बिजनेसमैन है रतन टाटा इंडिया का, तो इन्होंने अपने जीवन के जर्नी को इस प्रकार डिस्क्राइब किया है क्या कि बीइंग अ सेवन ईयर ओल्ड बॉय हु प्लेड हिज डैश द फ्रीडम टू बीइंग मूव्ड टू द प्लाइट ऑफ ए फैमिली ऑन ए टू व्हीलर। यहां पर देख लीजिए क्या होना चाहिए, हैज डिस्क्राइब हिज जर्नी फॉर बीइंग अ सेवन ईयर ओल्ड बॉय या थ्रू या फ्रॉम या एवव, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है, इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन ज्यादा फिट बैठता है यहां पर।
ज्यादा सटीक कौन सा है? प्रश्न संख्या 7 है, तो यहाँ पर ज्यादा सटीक कौन सा है? तो ज्यादा सटीक तो यही हो जाएगा ना कि अपने बचपन से, जब 7 साल के थे उस समय से, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम बीइंग अ 7 ईयर ओल्ड बॉय हु प्लेड हिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी टाइमर रेडी है। फ्रॉम बीइंग अ 7 ईयर ओल्ड बॉय हु प्लेड, 8 नंबर भरना है, हिज डैश द फ्रीडम स्ट्रगल टू बीइंग मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ ए फैमिली ऑन अ 2 व्हीलर। तो यहां पर देख लीजिए क्या भरा जाना चाहिए, पार्ट विथ या पार्ट इन या पार्ट फ्रॉम या पार्ट ऑफ। माना स्वतंत्रता संग्राम में भी उसने 7 साल का था उस समय पार्ट बजाया, अर्थात भागीदारी हिस्सेदारी निभाया, हिस्सा लिया था उसमें। तो यहां पर होना चाहिए पार्ट इन। तो ये जो है राइट आंसर है, यहां पर बी नंबर ऑप्शन जो है सही है, पार्ट इन भरा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर में टाइमर रेडी कर देता हूं मैं। देख लीजिए यहां पर ये टाइमर चल रहा है, अभी 11 सेकेंड बाकी है। देख लीजिए 15 सेकेंड का टाइमर हर एक क्वेश्चन के लिए। यहां पर क्या होना चाहिए, ऑफ अ फैमिली ऑन अ 2 व्हीलर विच बिकेम द जेनेसिस ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डैश कार दी टाटा नैनो। जो 2 चक्का साइकिल कह लीजिए या 2 व्हीलर, उस समय जी कैसा होगा रहा होगा, 2 चक्का वाली साधन, तो उससे कहाँ वो अपने फैमिली के साथ से घूमता था और स्वतंत्रता संग्राम में जो है हिस्सेदारी लिया, और उसने जो है दुनिया का सबसे सस्ती कार टाटा नैनो का जो है निर्माण कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ये तो राइट नहीं होगा, इकोनॉमाइज ये भी सही नहीं है, इकोनॉमिकल ये ठीक है और इकोनॉमिस्ट ये जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे सस्ती कार टाटा नैनो का निर्माण किया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10, इसमें टाइमर है। यहाँ पर डिसऑर्डर को जो है आपको ऑर्डर में चेंज करना है, फॉर ऑप्शन ए बी सी और डी दिया हुआ है। यहाँ पर चेक कीजिए सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, फिर कौन सा सेंटेंस आएगा, इस प्रकार आपको ये जो है क्वेश्चन बनाना है। चलिए टाइमर खत्म हो गया, अब हम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन होना चाहिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू बाई डेट साइकिल। भाई कौन बाई साइकिल, किस पर कौन सा साइकिल, यहाँ सब्जेक्ट ठीक नहीं लग रहा है। फिर ही नीड्स ए साइकिल टू विन, कौन नीड्स ए साइकिल। चलिए दूसरा देखते हैं। फिर यहाँ सी नंबर में, द फिल्म डथ इज अबाउट ए यंग इरानियन विलेज बॉय, यहाँ पर सही मिला सब्जेक्ट। माना फिल्म जो डॉच है वो किसके बारे में है, एक इरानियन यंग विलेज बॉय के बारे में है। तो ये सी नंबर ऑप्शन तो फर्स्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए जहां जहां सी नहीं है, सी से शुरुआत नहीं है, वो ऑप्शन नहीं होगा। 3 नंबर कट गया, ये 2 नंबर कट गया। अब यहाँ पर चॉइस आपको या तो ए बी ए या 4 नंबर, इन दोनों में से किसी एक को चुनने पड़ेंगे। तो सी होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, या तो बी या यहाँ पर ए। चलिए चेक कर लेते हैं, द फिल्म टच इज अबाउट ए यंग इरानियन विलेज बॉय, देन आफ्टर ही नीड्स ए साइकिल टू विन द बाइसिकल रेस विच वुड हेल्प पे ऑफ हिज फादर्स डेट। तो यहाँ तो ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है बी नंबर ही ठीक लग रहा है, इन ऑर्डर टू बाई डेट साइकिल, तो बाई साइकिल बाद में। चलिए तो यहाँ पर सी के बाद बी, देन आफ्टर ए डी, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। चलिए इसको हम समझ, अगर समझने की बात करें तो ऐसे हम कह सकते हैं, द फिल्म डच इज अबाउट ए यंग इरानियन विलेज बॉय, डच फिल्म जो है यंग इरानियन विलेज बॉय के बारे में है, और ही नीड्स ए बाइसिकल टू विन द बाइसिकल रेस विच वुड हेल्प पे ऑफ हिज फादर्स डेट। उसे जो है एक बाइसिकल की जरूरत है ताकि वह बाइसिकल रेस जीत सके और अपने पिता के कर्ज को चुकता कर सके। फिर इन ऑर्डर टू बाई डेट बाइसिकल ही प्लान्स टू विन सम प्राइजेस मनी बाई टीचिंग एंड इलिटरेट पर्सन हाउ टू रीड एंड राइट।
और बाइसिकल खरीदने के लिए उसने एक योजना बनाया कि हम कुछ प्राइजेस जीतेंगे, माना कुछ प्राइज कैसे जीतेंगे, जो गरीब निरक्षर व्यक्ति है उनको पढ़ना लिखना सिखा करके। और फिर डी नंबर, बट द ओनली इलिटरेट पर्सन इज अ 90-year-old वुमेन हु इज इल टेम्पर्ड एंड डजंट विश टू लर्न एनीथिंग। लेकिन एक ही इलिटरेट पर्सन थी, वह 90 साल की एक बूढ़ी महिला थी जो चिड़चिड़े स्वभाव की थी, जो पढ़ना लिखना बना पढ़ने की जिसको इच्छा भी नहीं थी। तो इस प्रकार ये 4 सेंटेंसेस यहाँ पर डिसऑर्डर में था, उसको ऑर्डर करना था। तो CBAD ये आपका ऑर्डर सही होगा। बाकी ये स्टोरी आगे पीछे क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर प्रश्न संख्या 11 क्या है, आप इसे सॉल्व कीजिए। सेकंड टाइमर है। चलिए शुरू कर दो। देख लीजिए प्रश्न क्या कर रहा है। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। जो गिवन सेंटेंस है यहाँ पर, इसमें उस भाग को चुनना है जहां पर एरर दिया हुआ है, माना जहां गलती है। यहाँ पर पहले सेंटेंस को पढ़ लीजिए। माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू। ठीक है, माई होटल इन गोवा हैड द वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो। भाई ये माई होटल इन गोवा हैड ए वंडरफुल व्यू, मेरा जो होटल गोवा में है वो उसका व्यू जो है वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है, जो ऑफ द सी इन द विंडो। तो इन द विंडो, खिड़की से हम बाहर देखेंगे तब हमारा गोवा का जो होटल समंदर के किनारे है वो अच्छा दिख रहा है, या खिड़की में देखेंगे कैसे हम देखेंगे। कुछ जज यहाँ पर कुछ ठीक लग रहा है, यहाँ पर शी इन द विंडो, यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट है, माना थ्रू द विंडो होना चाहिए, फ्रॉम द विंडो होना चाहिए, इन द विंडो खिड़की में, ये तो गलत है। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है, गलती ढूंढना था हमें, हाँ, और हम लोगों ने गलती को ढूंढ लिया, यहाँ पर इन द विंडो सही है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 15 सेकेंड टाइमर है, तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भरा जाएगा उसे आपको चूज करना है। टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर टीचिंग, क्या होना चाहिए, प्रेज्ड, रिब्यूक्ड, इनवोक्ड या रिफ्यूज्ड। माना टीचर ने बच्चे जो है वो चोरी कर रहे थे, माना चीटिंग कर रहे, उसके लिए टीचर क्या करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा, प्रेज करेगा, ये तो नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। रिब्यूक करेगा, क्या उसे डांटेगा, हाँ उसे डांटेगा, दबाड़ेगा, तो ये तो सही होना चाहिए। चलिए, या रिफ्यूज अनदेखा करेगा, ऐसा भी नहीं है, या उसे उकसाएगा, इनवोक्ड करेगा, ऐसा भी नहीं है, रिब्यूक्ड ही करेगा, उसे डांट ही पड़ेगी टीचर के द्वारा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले टाइमर देख लीजिए, 15 सेकेंड टाइमर यहाँ चल रहा है, ये खत्म होते ही इस प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न जो है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ जो गिवन सेंटेंस है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म को क्या करना है, करेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिताब आस्क्ड हिज मदर, सिताब जो है अपने माता से कहा या कही, कहा हैज इट बीन स्नोइंग ऑल नाइट, क्या सारी रात स्नोइंग हो रहा था, बर्फबारी हो रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट नंबर, सिताब आस्क्ड हिज मदर इफ इट हैज स्नोइंग, ये नहीं होगा, गलत है। फिर यहाँ पर इफ इट वाज स्नोइंग, नहीं होगा। सबसे पहले चेंज करने का तरीका क्या है, हैज इट बीन स्नोइंग, तो इसको हम लोग क्या ले जाएंगे, हैड,
इट बीन स्नोइंग माना सिम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर है तो उसे हम कौन से टेंस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको कौन से टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इसको तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, तो इफ इट हैड बीन स्नोइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चला जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, टाइमर 15 सेकंड का। फटाफट सॉल्व कीजिए इसे। प्रश्न संख्या 14 है, 14 है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका पैसिव फॉर्म आपको बताना है। प्रश्न क्या है, द दिल्ली पुलिस हैज शॉट एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका पैसिव फॉर्म इसमें से कौन सा हो जाएगा, आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए ये किस टेंस में है, तो दिल्ली पुलिस हैज शॉट, तो हैज शॉट ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो है पैसिव किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस जो भी वर्ब है वो, तो यहां पर देख लीजिए हैज शॉट, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए, हैज बीन शॉट। बस आगे पीछे ज्यादा देखे बगैर अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो इतना से काफी आप आसानी से इसमें नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, 50 नंबर, इसको सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न जो है क्या करें, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो नो इंप्रूवमेंट। यहां पर जो भी गलती है उसे आपको बताना है, अगर कोई गलती नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इंडिया हैज लॉस्ट अ वेटरन एक्टर विद द डिजीज्ड ऑफ श्रीराम लागू। माना वेटरन माना जो जाने पहचाने विख्यात, तो भारत ने एक विख्यात माना प्रसिद्ध एक्टर को खो दिया, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, डिसीज्ड ऑफ श्रीराम लागू होना चाहिए, क्या होना चाहिए उनकी मृत्यु पर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सही उत्तर क्या होना चाहिए, डिसीज्ड माना मृत होना चाहिए या मौत पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर जो है आप क्या कहेंगे, डिमाइस कहेंगे या बिरीवमेंट कहेंगे या एक्सपायर्ड कहेंगे। यहां पर जो राइट आंसर है वो है डिमाइस। यहां पर हम डिजीज्ड के बदले डिमाइस वर्ड का यूज करेंगे, इन दिस वे आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इसे सॉल्व कीजिए। क्या होना चाहिए यहां पर, दोज अर्निंग्स लेस देन आरएस 10,000 आर डैश फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। तो यहां पर एडजस्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ये तो नहीं लगेगा, गलत है। एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट क्यों करेगा भाई, ये भी गलत है। कलेक्टेड, ये भी गलत है। एग्जेम्प्टेड, ये राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, यहां पर दिया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो इडियम है ए पीस ऑफ केक, इसका सही मीनिंग क्या है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान कार्य, माना बहुत ही आसानी से जिसे किया जा सकता है। मीन्स ही वर्क दिस वर्क एज इट वॉज ए पीस ऑफ
केक बना, उसने इस काम को ऐसे किया जैसे उसके लिए यह काम पीस ऑफ वर्क था, पीस ऑफ केक था, माना आसान था उसके लिए। तो यहाँ पर समथिंग अम्यूजिंग ये नहीं होगा, गलत है। समथिंग सीरियस यह भी गलत है। समथिंग डिफिकल्ट ये भी नहीं होगा, गलत है। तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समथिंग ईजी, जो आसान हो उसके लिए हम लोग ये पीस ऑफ केक यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, माना इस उस को बताना है जहां पर ग्रामेटिकल एरर है। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले सेंटेंस क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, माना व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है। मीनिंग द राइट, उसका मतलब है राइट टू एक्सप्रेस वंस ऑन कन्विक्शंस एंड बिलीव्स, अपनी ही मान्यता और धारणाओं को व्यक्त करना, यह स्वतंत्रता को व्यक्त करने का मतलब है। तो यहां पर देख लीजिए एक्सप्रेशन, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यह सेंटेंस है, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर कॉम्प्लीमेंट जो भी है। यहां पर देख लीजिए मीनिंग, यहां पर क्या गड़बड़ लग रहा है, यहां पर सीधा होना चाहिए मीन्स, ठीक है। यहां पर V5 या V1 यहां पर आना चाहिए। तो यहां पर कौन सा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो सही है बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं है। टू एक्सप्रेस वंस ऑन, ये भी सही है। मीनिंग द राइट, यहां पर मिस्टेक है, ये थर्ड नंबर जो है गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर थर्ड नंबर है, अर्थात गलती इसी में है। यहां पर क्या होना चाहिए, मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस वंस ऑन कन्विक्शन एंड बिलीव्स। ओके डियर, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सोल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इन 10 सेकेंड और 15 सेकेंड। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, ये जो प्रश्न है इसमें है गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेस, जो नीचे दिया हुआ है 4 जंबल्ड सेंटेंस है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, और इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहला ए बी सी डी है, और इसको यह डिसऑर्डर है, माना उलट पलट इसमें किया हुआ है, इसको आपको सुलट के ठीक कर देना है, अर्थात इसको आपको सही क्रम में बिछाना है, सही क्रम में सजा देना है ए बी सी डी को। इसमें से कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उसके बाद आएगा, अर्थात कंसेक्यूटिव सेंटेंस में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए ऑप्शन, बिहाइंड देम कम कैमल्स कैरिंग, अर्थात बिहाइंड से तो शुरू होगा नहीं, अर्थात इसके पहले जरूर पहले कोई सेंटेंस है तभी बिहाइंड आया। फिर देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन में क्या है, द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाई टू डेकोरेटेड एलिफेंट्स, अर्थात हु हेडेड द प्रोसेशन, जरूर इससे पहले भी है कुछ सेंटेंस, ये तो हो सकता है बी से शुरू हो सकता है, लेकिन और भी हम देख लेते हैं। एट द एंड कम द प्लाटून्स ऑफ सोल्जर्स इन रो ऑफ टू, यहां से तो होगा नहीं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह एंट्री इन द मोस्का, यहां से शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ये सब ऑप्शन माना डी से जो है सबसे पहला ये डी सेंटेंस होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डी जहां जहां है वो उसमें से हो सकता है, ये बी ये नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब ये वन और टू, वन और थ्री, ये दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह एंट्री इन द मॉस्क, ठीक है। आप देख लीजिए इसके बाद कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, तो इसके बाद जो है राइट वाला कौन सा होना चाहिए, या सी या बी। तो देख लीजिए एट द एंड ऑफ ये नहीं होना चाहिए, तो यहां पर बी द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाई टू डेकोरेटेड एलिफेंट्स हु हेड द प्रोसेशन, हाँ ये सही है। जब बहादुर शाह का जो मोस्क में एंट्री होने वाला था, तो वह जो है कैसे आ रहा था, दो सजे सजाए हाथियों पर जो है। तो यहां पर डी के बाद जो है बी नंबर ऑप्शन, उसके माना बी आना चाहिए, तो डी के बाद जो है बी होना चाहिए। तो यहां पर डी बी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही है।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ट्राई टू सॉल्व इन 15 सेकेंड। क्या है क्वेश्चन? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। यहां पर आपको देखना है कि एरर कहां है, अगर एरर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द राइजिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स हैव प्लेस्ड एंड वेटी बर्डन ऑन द पुअर। ठीक है, तो इसमें गलती कहां पर है? यहां पर वेटी को आपको इंप्रूव करना है, क्या होना चाहिए? तो द राइजिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स हैव प्लेस्ड एंड बर्डन ऑन द पुअर। जो भी जरूरत खाद्य सामग्री है उसकी कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है वह गरीबों पर बर्डन डालेगा। ठीक है, तो यहां पर वेटी के जगह पर क्या होना चाहिए? प्लेस्ड एंड तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? अनइम्पोर्टेंट अर्थात ट्रिवियल। ठीक है, ये होगा अनइम्पोर्टेंट ट्रिवियल, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत है, लाइटेस्ट भी गलत है, नो इंप्रूवमेंट ऐसा तो है नहीं कि ये सही है। तो यह इनॉर्मस होना चाहिए, हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? इनॉर्मस, एक भारी भरकम बर्डन गरीबों के ऊपर लाद देगा। ठीक है, वेटी माना भारी भरकम, इनॉर्मस बर्डन हो जाएगा गरीबों के ऊपर अगर खाद्य सामग्री की जो महंगाई है वो बढ़ती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो वर्ड गलत स्पेलिंग है उसको आपको सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले क्या है? रिसेटलमेंट। तो रिसेटलमेंट ये तो ठीक ठाक वर्ड है। अनाउंसमेंट, AWNOUNCEMENT, ये भी ठीक ठाक है। अंडरगारमेंट, ये भी ठीक ठाक है, कहीं पर मिस्टेक नहीं लगता। एम्बरासमेंट, तो यहां पर मिस्टेक है। एम्बरासमेंट में देख लीजिए, आर जो है यहां पर सिंगल आर नहीं होता है, यहां पर डबल आर होना चाहिए एम्बरासमेंट। इसलिए आंसर जो है, कौन सा आंसर सही होगा? डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। एम्बरासमेंट, हरासमेंट, इसमें जो है हरासमेंट में सिंगल आर ही होता है, लेकिन एम्बरासमेंट में अगर आप देखेंगे तो डबल आर होता है। चलिए, तो यहां पर डबल आर लिखेंगे। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इन 15 सेकेंड। यहां पर हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, इसका मीनिंग बताना है आपको। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, क्या वह अनअवेयर है या मिस्चीवियस है, मिस्चीवस है या इथिकल है या अनक्रपुलस है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अनअवेयर ये तो नहीं होगा, मिस्चीवस नहीं होगा, इथिकल ऐसा भी नहीं है, हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, यहां पर हो जाएगा अनक्रपुलस। तो ये जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिग्मा का एंटोनिम्स बताना है आपको। एनिग्मा का जो है एंटोनिम्स आप बताइए, एनिग्मा का एंटोनिम्स क्या है? मिस्ट्री होगा या कैरेट होगा या मेक बिलीफ होगा या क्लैरिटी होगा? हाँ, यहां पर ऑपोजिट बताना है। सिनोनिम्स होता तो इसमें सिनोनिम्स भी है, लेकिन आपको ऑपोजिट बताना है, तो वो क्लैरिटी ही सही आंसर है। माना ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, इसका सेम मीनिंग बताना है। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, माना वैसा व्यक्ति आपको आप देखे होंगे जो दाहिने और बाएं दोनों हाथों से एक जैसा कार्य कर लेता है, दोनों हाथों से कार्य करने में वह कुशल हो, तो क्या उसको लेफ्ट हैंडेड कहेंगे?
लेफ्ट हैंडर नहीं कहेंगे उसे, एम्बिडेक्स्ट्रस। हाँ एम्बिडेक्स्ट्रस उसे कहेंगे। तो एम्बिडेक्स्ट्रस जो है इसका सही आंसर है। और इनएक्सपर्ट ऐसा भी नहीं, हो तो दोनों हाथ से काम करने में एक्सपर्ट है। अनस्किल्ड यह भी नहीं होगा, तो एम्बिडेक्स्ट्रस आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, यहां पर इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो वर्ड दिया हुआ है रिजर्व्ड, RESERVED, रिजर्व्ड, इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो एंटोनिम्स इसमें क्या होना चाहिए, फॉरगिविंग, फ्रेंडली, रेटिसेंट और कोवार्डली। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। फ्रेंडली जो है इसका राइट आंसर है एंटोनिम्स। बाकी फॉरगिविंग का मतलब जो क्षमा करना, रेटिसेंट इसका भी मतलब जो घुमावदार, या टैसिटर्न आप देखे होंगे जो लैकोनिक, जो कम बोलता है, जो चुप रहता है, तो उसे साइलेंट, माना जो साइलेंट, जो कम बोलने वाला होता है उसे हम लोग रेटिसेंट। कोवार्डली जो डरपोक, टिमिड, टिमरस, उसे पुसिलानिमस, तो इसे कोवार्डली कहेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर है फ्रेंडली, ठीक है। एंटोनिम्स रिजर्व जो सुरक्षित कम बोलता है, अगर ये सब सिनोनिम्स हो जाता है रेटिसेंट अगर ये, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा तो यहाँ पर फ्रेंडली होगा। ओके दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिसिंग सेट जो कि कंप्लीट हो गया। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल का अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहां से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लासेस में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।